Praise the Lord, Church. Good morning. मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब अपने घर में बैठे हैं तो आप भी सब अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपके परिवारों के साथ में आपका समय अच्छा व्यतीत होता होगा. प्रभु की उपस्थिति में आपका परिवार के साथ में आप अच्छे से दिन गुजार रहे होंगे और मैं आपका सबका फिर से एक बार प्रभु में धन्यवाद करता हूँ. चर्च, आप सभी को फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड. आज पाम संडे है और पाम संडे के विषय में हम बात करेंगे. पाम संडे के मैसेज के अलावा भी और कुछ हम बात करेंगे. हम देखते हैं कि पाम संडे के दिन विजयशाली रूप में यीशु मसीह यरूशलम में प्रवेश करते हैं. मत्ती 21 अध्याय 1-10 वचन के अनुसार, और वहाँ पे गजर करते हैं, होसैना के गीत वो गाते हैं और बड़े विजय के साथ में यीशु मसीह वहाँ पर प्रवेश करते हैं. आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और थोड़ा कुछ जो प्रभु ने मुझे प्रार्थना में जो विषय को दिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं क्या बात करूँ, किस चीज़ के बारे में बोलूँ, तो परमेश्वर उसके वचनों में कुछ बातों को मुझे दिखाया, वो आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ. हम सब आज घर में बंद हैं, दरवाजे लगाकर हम बंद हैं. सरकार ने बाहर निकलने के लिए बंदी की है. क्यों बंदी की है? हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए. और हम इसको फॉलो करें और हम घर में बैठ जाएं. क्यों? क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई होने वाली है. जिस प्रकार सरकार हमारी भलाई चाहती है और सरकार हमसे विनंती कर रहा है, हमारी भलाई के लिए विनंती कर रहा है, वैसे ही परमेश्वर भी कुछ बातों के लिए हमें घर में बंद रखना चाहता है. घर में क्यों बंद रखना चाहता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे. इसके बारे में आज परमेश्वर के वचनों से आज हम देखने वाले हैं. बंद दरवाजा करने से क्या क्या होता है, बंद दरवाजा करने से क्या क्या चीजें होती हैं, आज उस विषय में परमेश्वर के वचनों में क्या लिखा है उसके बारे में आज हम देखेंगे. लेवी की किताब इसका 13 अध्याय 14 वचन, 5वां वचन, 21 वचन, 26 वचन, 31 वचन और 33 वचन में छह बार सात दिन तक बंद रहे इस कथन को लिखा गया है. छह बार सात दिन तक बंद रहे इस कथन के बारे में लिखा गया है. क्यों सात दिन तक बंद रहे? तो ये जो सात दिन यहां पे बंद रहने के विषय में लिखा गया है वो कुष्ठ रोग से संबंधित नियमों के बारे में यहां लिखा गया है. कुष्ठ रोग से संबंधित नियम यहां पर बताए गए हैं. सात दिन तक वह बंद रहे, वह व्यक्ति जिसके शरीर पर कोढ़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सात दिन तक वह बंद रहे. सात दिन के बाद वह फिर वह याजक को दिखाए और वह व्याधि जैसी की तैसी बनी है, उसके चम्र में ना फैली हो, तो याजक उसको और भी सात दिन तक बंद कर रखे. सातवें दिन याजक फिर देखे और यदि देख पड़े कि व्यक्ति की चमक कम है और व्याधि चम्र पर फैली ना हो, तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चम्र में पपड़ी है और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए. यदि याजक की उस जांच के पश्चाताप जिसमें वो शुद्ध ठहराया गया था वह पपड़ी उसके चम्र पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर याजक को दिखाई जाए. यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चम्र में फैल गई, तो वह उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ ही है. यदि कोढ़ किसी व्याधि किसी मनुष्य के हो, तो याजक के पास पहुंचाया जाए. यदि किसी मनुष्य को कोढ़ है, तो वह बंद न रखा जाए, क्योंकि वह अशुद्ध है. लेवी पुस्तक इसका 13:11 वचन में, परंतु जितने दिन वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे इसलिए वह अकेला रहा करे और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो. लेवी व्यवस्था 13:46 वचन में, सात दिन बंद रहने के लिए परमेश्वर ने वहां पे कहा है. जिस व्यक्ति के अंदर कोढ़ के लक्षण है, कोढ़ जैसी बीमारी उसको दिखाई दे रही है, तो वहां वो याजक को दिखाए और याजक को ठहराता है कि वो सात दिन तक कमरे में बंद रहे. और जिसको कोढ़ है वो छावनी के बाहर अकेला ही वो
छावनी में, छावनी के बाहर वो बंद रहे। अब इसके 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 बारे में परमेश्वर क्या कहता है? हम भी हमारे याजक के साथ बंद हो जाएं। आज हम सब बंद हैं, आज पूरी दुनिया बंद है, आज हम हमारे घरों में बंद है। आज परमेश्वर भी चाहता है जैसा ये व्यक्ति है जो अपने को 7 दिन याजक उसको बंद कर रहने के लिए कहता है, वैसा ही आज पर जब हम घर में हैं तो हम भी अपने घरों में जाकर बंद हो जाएं। क्यों बंद हो जाएं? इसके पीछे एक मकसद है, इसके पीछे एक कारण है। हम भी हमारे याजक के साथ बंद हो जाएं ताकि वे हमारे कोड को ढूंढे, हमारे कोड को देखे, हम में कोड को खोजे, कोई कोड हम में तो नहीं है। आत्मिक कोड के बारे में हम बात करेंगे आज। शायद हमारे शारीरिक रूप में कोड ना हो, हम शारीरिक रीति से अच्छी चंगाई में चल रहे हो, लेकिन यहां पर एक आत्मिक कोड हो सकता है। और वो जब अगर किसी व्यक्ति को कोड है तो वो याजक को जाकर दिखाता है और याजक वहां पे फाइनल करता है कि उसको कोड है कि नहीं है। तो वैसे ही आज आपके और मेरे आत्मिक जीवन में कोड किस प्रकार प्रवेश करता है इसको देखेंगे और वो याजक को हम दिखाएंगे। क्यों बंद रहना है? इसको 7 दिन बंद होने के लिए कहा है। जिस प्रकार याजक मनुष्य के कोड को देखता है, जांचता है, ठहराता है कि वह शुद्ध है या अशुद्ध है, वैसे ही हम जो अब बंद हैं, परमेश्वर यीशु जो हमारा याजक है उसके सामने आए, उसे अपने को जांचने दे, उसे देखने दे कि हम में कोड जैसा पाप तो नहीं है। कोड जो है यह पाप का दर्शक है। हमारे शरीर में कोड नहीं है लेकिन आत्मिक कोड हो सकता है। इसलिए आप और मैं उस महायाजक को जो यीशु है उसको अपने जीवन में कार्य करने दें, उस याजक को ढूंढने दें हमारे कोड जब हम कमरे में बंद हैं, याजक को कार्य करने दें, उसे आत्मिक कोड को ढूंढने का मौका दें। इसलिए उस कोड व्यक्ति को 7 दिन बंद करके रखा जाता था। और हमारे पास भी एक हमारा याजक है। इब्रानियों की किताब 7:8 में, 7:1-17-21 में, तू युगान युग याजक है। इब्री कलशपत्र 10:21-22 में भी हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारे पास में एक याजक है और वो याजक का नाम यीशु मसीह है। और याजक ठहराएगा कि हमारे आत्मिक जीवन में क्या चल रहा है। इसलिए जब हम उस कमरे में बंद हैं तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उस परमेश्वर को काम करने दें, उस परमेश्वर को अपने जीवन को चेक करने दें, उस परमेश्वर को खोजने दें कि हमारे जीवन में क्या क्या चल रहा है। कोई भी बीमारी एकदम नहीं होती, अचानक नहीं होती, उसके पहले लक्षण दिखाई देते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ने लगती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। इसे ही महारोग कहा जाता है। महारोग या कोढ़ कैसे पहचाने? तो लेवी व्यवस्था 13 में ये सब बात लिखी हुई है। कोढ़ जो व्यक्ति है वो छावनी के बाहर अकेला वो रहेगा। हमारे शरीर में कोढ़ नहीं है लेकिन आत्मिक कोढ़ में, आत्मिक रीति से ये कोढ़ लग सकता है। आज हम प्रार्थना करें कि याजक इस कोढ़ को जांचे। आज हम कोढ़ के बारे में बात करेंगे। 7 दिन कमरे में बंद रहने के लिए कहा है। जब आज हम कमरे में बंद हैं तो अपने आप को जांचिए। पहला, किस रीति से आत्मिक कोढ़ हमारे जीवन में आ सकता है इसको जानना बहुत जरूरी है और याजक को ये जांच करने दो। पहली बात, गिनती इसका 12:1-10 में हम पढ़ते हैं। यहां पर मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हरून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी ये बातें यहोवा ने सुनी। सुनिए, मरियम कोड़ से हिम के समान श्वेत हो गई। मरियम जो है हम देखते हैं ये परमेश्वर के अतिशय निकट रहने वाली स्त्री है, ये परमेश्वर के साथ बात करने वाली स्त्री है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर उसे होने वाली घटनाओं के बारे में इसको बताता है। ये मरिया जो है ये नबी है, ये भविष्यवक्तिन है, ये नबिया है और परमेश्वर के अति निकट रहने वाली ये व्यक्ति है। और इसने
जब परमेश्वर ने समुद्र को दुभागा, तब इसने एक गीत को वहां पे रचा, इसने गीत गाया, टफ बजाते हुए इसने नृत्य किया और समुद्र के बीच में चले, इसलिए उसने गीत गाकर परमेश्वर की महिमा की। निर्गमन इसका 15:19-21 वचन में आप इसको पढ़ सकते हैं। बड़े आनंद के साथ नृत्य उसने किया और एक गीत को उसने लिखा। फिर भी ये जो स्त्री है परमेश्वर के सेवक के बारे में यहां पर निंदा कर रही है। दूसरे की निंदा करने के द्वारा कोड़ा सकता है। इसने क्या किया, कुछ समय के बाद ये ईर्ष्या से भर उठी, जल उठी, वह ईर्ष्या से भर गई। उसे लगा कि सिर्फ मैं ही अभिषेक से भरी हूं। इस व्यक्ति को लगा कि मैं ही हूं सिर्फ परमेश्वर से बात करने वाली, मैं ही परमेश्वर सिर्फ मुझसे ही बात करता है। और यह दूसरे के विषय में अपने जीवन में ईर्ष्या से भर गई और ईर्ष्या के कारण इसने मूसा भविष्यवक्ता के बारे में इसने निंदा करना शुरू किया। और जब निंदा शुरू करना शुरू किया तो परमेश्वर ने इस बात को सुना और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी समय मरियम, सुनिए, परमेश्वर से बात करने वाली, परमेश्वर के अति से निकट रहने वाली, परमेश्वर में आनंदित जीवन को जगने वाली नबिया, ये खुद परमेश्वर के वचनों के अनुसार ये कोढ़ से भर गई। ऐसा क्या हुआ, सुनिए मेरी बहन, मेरे भाई, गिनती 12:8 वचन के अनुसार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम विचार करके बात करें, परमेश्वर सुन रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में किसी के बारे में निंदा करने के द्वारा क्या हमारे जीवन में कोढ़ है? अगर कोढ़ है, आज याजक जांचेगा। आज याजक को अपने जीवन में उसको जांचने दीजिए, उसको ढूंढने दीजिए, हमारे जीवन में आत्मिक कोढ़ तो नहीं है। जब हम कमरे में बंद हैं, अपना जीवन जो है, अपना हृदय जो है, परमेश्वर के सामने रखिए। हम इसलिए बंद किए गए हैं कि परमेश्वर हमको जांचे, परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक तौर पे कोढ़ को ढूंढे। इसलिए आज आप और मैं कमरे में बंद हैं, और होना भी चाहिए। परमेश्वर को काम करने दीजिए। इसलिए आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर हमें संभाल कर बात करना है, संभाल कर सोच विचार करके हमें बात करना है। किसी के बारे में ऐसी अफवाह मत फैलाएं, हमें नहीं मालूम तो हम नहीं बात करें। अगर कोई बात व्यक्ति करता है तो सच्चाई के जाने बगैर आप और मैं उसके बारे में ना बात करें वो अच्छा है। क्योंकि हमारी हर एक बात जो है, जो हम करते हैं, घर के अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, अंधेरे में करते हैं, कहीं भी करते हैं, ये मत सोचे कि अब आप अकेले हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को हमने देखा कि चोरी छुपे बात करते हैं, एकदम चुपके चुपके बात करते हैं, धीरे से बात करते हैं, उन्हें लगता है कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, आपको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आप कितने भी अपने हृदय के अंदर फुसफुसाएं, परमेश्वर जानते हैं कि आपका फुसफुसाना क्या है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके मुंह से क्या बात निकल रही है। दुनिया के लोग सुने या ना सुने, लेकिन परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। वो सर्वव्यापी है, सर्व समर्थ है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है जो हमारी बातों को सुनता है। इसलिए जब हम घर में बंद हैं, तो परमेश्वर को जांचने दीजिए हमारा आत्मिक जीवन। और व्यवस्था वितरण में लिखा है 24:9 वचन में, स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम ने क्या किया। मरियम को स्मरण करने के लिए कहा गया है। हम क्या बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, इसको संभालना है। अगर हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, निंदा करते हैं ईर्ष्या के द्वारा, तो शायद आत्मिक कोट ने हमारे जीवन को पकड़ लिया है। और याजक चाहता है कि वो इस कोड को ढूंढे। इसलिए आपको, अगर आपको और मुझे उस कमरे में बंद रहकर परमेश्वर जो हमारा महायाजक है उसको कार्य करने दे। दूसरी बात, दूसरा राजा 5:19-27 वचन में जब पढ़ते हैं तो नामान कोढ़ी के बारे में हम यहां पे पढ़ते हैं। एक नामान व्यक्ति है जो सेनापति है, वो कोढ़ से भरा हुआ था। अपने कोढ़ को ठीक कराने के लिए वो एलिशा के पास में आता है। जब हम देखते हैं वो एलिशा उसे यरदन नदी के अंदर 7 बार
डुबके मारने को कहता है और वो वैसा ही करता है और उसका कोढ़ ठीक हो जाता है। ये कहानी हमें सबको मालूम है। और वो ठीक होने के बाद में बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंदित होता है और नामन अलीशा के लिए भेंट देने के लिए आता है, लेकिन अलीशा उसकी भेंट ग्रहण नहीं करता और नामन अलीशा से विदा लेकर चलने लगता है और वो चलता है। और ये बात जो है अलीशा का जो सेवक गेजी है वो देख रहा है और उसने इस बात को देखा और गेजी के मन में लालच आया और गेजी ने सोचा कि मेरे स्वामी ने ये भेंट को इनकार कर दिया, हमें इसे लेना चाहिए था, हमें ये भेंट को स्वीकार करने चाहिए था। उसके मन में लालच पैदा हो गई और वो रुका नहीं। जब अलीशा अंदर जाता है अपनी कोठरी में, ये बाहर आता है और नामान जो है वो दूर चला जाता है। ये भागते भागते दौड़ता दौड़ते उसके पीछे आता है और वो गेजी उसको रुकाता है और वह उसके पीछे दौड़ता है और उससे भेंट लेने के लिए, और उसने उससे भेंट स्वीकार किया। उसके स्वामी ने अलीशा ने वो मना किया लेकिन उसने वो भेंट को स्वीकार किया, उसने उसको मांगा। और हम देखते हैं कि गेजी ने 2 किक्कर चांदी थैलियों में बांध कर लिया, 2 जोड़े वस्त्र उसने लिया। 1 किक्कर चांदी मतलब 34 किलोग्राम। और गेजी ने अलीशा को पूछा नहीं, अलीशा से बात नहीं किया, लेकिन गेजी इस भेंट को लेने के लिए चल पड़ता है। कोई भी बात हम अगर बिना छुपे करेंगे तो यह मत सोचे कि परमेश्वर को नहीं मालूम। परमेश्वर को मालूम है हम जो कर रहे हैं, खुदा को मालूम है हम जो कर रहे हैं। इसे लगा कि अलीशा को कुछ नहीं मालूम, अलीशा को पता भी नहीं चलेगा कि उसने भेंट लिया है कि नहीं। मेरी बहन मेरे भाई, अलीशा का परमेश्वर सब जानता है और परमेश्वर ने उसको प्रकट किया अलीशा को, गेजी ने ऐसा ऐसा काम किया है। और हम देखते हैं कि अलीशा जो गेजी है वो कोढ़ से भर गया। क्यों कोढ़ से भर गया? क्योंकि उसने लालच किया। और नीति वचन में भी 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। इसलिए हमारे हृदय में क्या चल रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी बात की हम लालच ना करें। अगर लालच करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है हम कोढ़ से भर चुके हैं, हमारे अंदर कोढ़ की जो बीमारी है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। इसलिए अपने जीवन को हम उस याजक के हाथ में सौंप कर, जब हम घर में बंद हैं तो याजक को काम करने दें, याजक को वो कोढ़ ढूंढने दें, उसको जांचने दें अपना जीवन। निर्गम 20:17 में 10 आज्ञाओं में से 1 आज्ञा ये है, तो किसी के घर का लालच मत करना, ना तो किसी के स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे को, ना किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना। 10 आज्ञाओं में से 1 आज्ञा ये है। आज हम देखते हैं कि आज लोगों के अंदर लालच भरा हुआ और वो चाहता है कि ये सब अपनाना चाहता है, ये अपनाना चाहता है, भले ही वो किसी हद तक क्यों ना गिर जाए लेकिन उस चीज को वो पाना चाहता है। क्यों पाना चाहता है? लालच है उसके अंदर। आज का मनुष्य समाधानी नहीं है, आज का मनुष्य समाधानी नहीं है, वो हर किसी को देखकर कुछ पाना चाहता है। अगर किसी के घर में कुछ अच्छी चीज आ जाए तो उसको देखकर हमारे मन में लालसा उठती है कि मुझे इससे भी बढ़कर चीज चाहिए। हम समाधानी नहीं है, हम उससे भी बड़ी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं लालच है। हमें समाधानी रहना सीखना चाहिए दोस्तों, हम समाधानी रहे अपने जीवन के अंदर, और यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए अपने आज छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए आज झगड़े होते हैं, छोटे छोटे चीज के लिए लोग आपस में मारपीट करते हैं, छोटी छोटी चीज के लिए कितने कोर्ट केस आज चल रहे हैं। क्यों? लालच, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई समाधानी नहीं है, सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए, समाधानी नहीं है। आज परमेश्वर आपको मुझे समाधानी बनाना चाहता है। इफिसियों किताब में लिखा 5:3-5 में, लोभ की चर्चा तक आपके जीवन में ना हो, लोभ की चर्चा ना हो।
किसी भी, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं नहीं मुझे वो चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये प्राप्त करना है, भले उसके लिए हम झगड़े मारपीट क्यों ना करें, लेकिन मुझे वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लालच है। हम कुछ दिखाना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं। आज देखिए सब लॉकडाउन हो गया, आज कुछ भी नहीं हम कर सकते। क्या करेंगे हम मारपीट कर कर? दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर लालच, किसी भी बात की लालच हमारे जीवन में है, तो गोड़ जैसी बीमारी हमारे जीवन में लग गई है। अगर आज हम अपने याजक को दिखाएं, उसे ढूंढने दें हमारा गोड़, हम 7 दिन जो व्यक्ति है वो 7 दिन कमरे के अंदर बंद है। क्यों बंद है मालूम है? क्योंकि उसको वो कोड दिखाना है याजक को 7 दिन के बाद। आज हमारा महायाजक हमारे घर के अंदर है, हमारे घर में बैठा है। अगर लालच जैसी कोई चीज है तो आज उसको हम निकाल दें अपने जीवन के अंदर से। लुक इसका 12:15 में लिखा है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायता से नहीं होता। हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, यहां परमेश्वर कहता है। पैसों से दवाइयां खरीद सकते हैं लेकिन चंगाई नहीं। पैसों से घर खरीद सकते हैं, बड़े से बड़ा बंगला खरीद सकते हैं, बड़े से बड़ा फ्लैट खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। पैसों से खेतों को खरीद सकते हैं, कितनों एकड़ जमीन हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसके अंदर गेहूं नहीं लगा सकते। अगर परमेश्वर बारिश ना भेजे तो क्या करोगे? परमेश्वर पानी ना बरसे तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बन जाएंगे। इसलिए जो कुछ करना है हमें परमेश्वर में बनकर हमको काम करना है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहूंगा, अपने आपके और मेरे जीवन में आप और मैं समाधानी बने। कल से गलत 3:5 में लिखा है कि लोभ जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आज लोभ ये मूर्ति पूजा कहा गया है परमेश्वर ने। और जो परमेश्वर जो है जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं वो ईर्ष्यावान परमेश्वर है। आज हमें अधिक से ज्यादा प्राप्त करना है, अधिक बहुतायत से आपको और मुझे लेना है। इसलिए हमारे पास में परमेश्वर के लिए समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि हमको वो चीज प्राप्त करनी है, वो चीज मुझे लेना है, वो चीज मुझे कर दिखाना है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और जो परमेश्वर से ज्यादा जिस बात को हम समय देते हैं वो मूर्ति पूजा बन जाता है। और मूर्ति पूजा ये परमेश्वर के लिए एक ईर्ष्यावान चीज ठहरती है। इसलिए आप जब आप और मैं कमरे में बंद हैं, ऐसे कौन सा लोभ मेरे जीवन में है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उसको परमेश्वर को चेक करने दीजिए। पहले तिमोथी 3:3 लिखा है, हम धनी के लोभी ना हो, हम धनी के लोभी ना हो। पहले तिमोथी 6:10 में लिखा है कि लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हम देखते हैं ये लोभ की वजह से लोग एक दूसरे को मार पीट करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। किसकी वजह से? लोभ की वजह से। नहीं मुझे चाहिए ये चीज, नहीं मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है। इसलिए मैं आज परमेश्वर का वचन, और ये लोभ है जो हृदय से निकलता है, प्राप्त करने की इच्छा होती है। मरकुस 7:22-23 में लिखा है, लोभ करने से कोढ़ हो सकता है, जैसे गेहजी को हुआ, उसने लोभ रखा अपने जीवन के अंदर और उसको कोढ़ हुआ। इसलिए जब हम घर में बैठे हैं तो चेक करें अपने जीवन को कि मेरे जीवन में कहीं आत्मिक कोढ़ तो नहीं है जो परमेश्वर से मुझे दूर लेकर जा रहा है। याजक को काम करने दें। और एक कोढ़ जो दूसरे राजे 15:5 में हमें दिखाई देता है, यहोवा ने उस राजा को, उज्जिया राजा को कहता है, ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग एक घर में रहता था। क्यों कोढ़ हुआ? क्या कारण था कोढ़ी होने का उज्जिया राजा का? तो उसका एक कारण था, वह है घमंड का कारण, घमंड। इसको आप पढ़ सकते दूसरा इतिहास 26:16-21 में, जब वो सामर्थी बना तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। इसका मन फूल उठा, ये सामर्थी बना तो इसका मन फूल उठा। मेरी बहन मेरे भाई, जब मन फूल उठता है तो ये एक गर्व का कारण है। इसलिए अपने जीवन को आप और मैं संभालें।
उजिया राजा मरने के दिन तक कोड़ी रहा। वो कोड़ क्यों हुआ? घरों के कारण। इसने क्या किया, उजिया राजा ने क्या किया, ये मंदिर में धूप जलाने के लिए चल पड़ा। इसको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, और ये धूप जलाने को जो काम था वो सिर्फ याजकों का काम था। गिनती 16 अध्याय 40 वचन में यहोवा के सामने धूप चढ़ाने के समीप हरून के वंश को छोड़कर कोई नहीं आना है। ये आज्ञा थी, ये नियम था, लेकिन ये अपने हृदय में फूल उठा। इसको लगा मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं याजकों की जगह ले सकता हूं, मैं याजकों का काम कर सकता हूं। जो काम नहीं करने के लिए कहा गया था वो इसने किया, इस मन फूल उठने के कारण। मैं कर सकता हूं, गर्व का सबसे बड़ा पाप है। और पहला पाप जो हुआ इस दुनिया में या स्वर्ग के अंदर वो है गर्व, गर्व के कारण। लूसीफर ये गर्व का कारण बना। जैसे कि किताब 14 अध्याय 12 से 15 वचन में लिखा है कि यूसुफ लूसीफर गर्व के कारण गिरा, और परमेश्वर जो है गर्व का विरोध करता है। याकूब 4:6 में लिखा है, 1 पत्रस 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर गर्विष्ठों का विरोध करता है और गर्व से परमेश्वर बैर रखता है। नीति वचन 6:17 में लिखा है कि गर्व से परमेश्वर बैर रखता है। और इस गर्व के कारण रगड़े झगड़े होते हैं, झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं। नीति वचन 13:10 के अंदर यह गर्व कहता है कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं उससे अच्छा हूं। वो क्या करके दिखाएगा, मैं उससे अच्छा करके दिखाऊंगा। और ये अभिमान के द्वारा फूट पड़ती है, झगड़े होते हैं। आज चर्चेस भी टूट रहे हैं, आज लोगों की कलेसिया टूट रही है, परमेश्वर की कलेसिया टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्योंकि मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूं। और कुछ लोग तो स्वयं घोषित सेवक बन गए हैं कुछ दिखाने के लिए। मेरी बहन, मेरे भाई, आपको और मुझे नम्रता के साथ में रहना है, नम्रता के साथ में आपको बने रहना है। हम आज घर में भी पति और पत्नी एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं, मैं उससे बढ़कर हूं, मैं उससे बढ़कर हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी के पीछे नहीं हूं, मैं सबसे आगे हूं। और इसलिए रगड़े झगड़े का कारण बनते। कोई ईगो प्रॉब्लम कहते, ईगो प्रॉब्लम आ गया। ईगो प्रॉब्लम, ईगो जो है वो मनुष्य को झुकने नहीं देता, वो कठिन रहता है, वो चौड़ा रहता है, वो झुकता नहीं है। इसलिए आज घर के अंदर रगड़े झगड़े, अभिमान के कारण रगड़े झगड़े होते हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का गर्व है तो शायद आत्मिक रीति से आप और मैं कोड़ी बन चुके हैं। इसलिए 7 दिन जब कहा गया ये व्यक्ति को कि आप घर में रहे, बंद रहे कमरे के अंदर, इसलिए जब आज आप और मैं बंद है अपने कमरे के अंदर, तो अपना जो महायाजक यीशु वो अलग नहीं है, वो वही कमरे के अंदर है। उसको आप दिखाएं, उसको चेक करने दीजिए, उसको ढूंढने दीजिए कि हमारे आत्मिक रीति से हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोड़ तो नहीं है। ये परमेश्वर कहां पे व्यवस्थित करता है? और विनाश से पहले गर्व आता है। नीति वचन 16:18 में लिखा है विनाश से पहले गर्व आता है, और लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। क्योंकि लालची मनुष्य को सब कुछ चाहिए, और ये गर्व करता है वो मनुष्य। और परमेश्वर कहां व्यवस्थित करता है? जैसे किताब 57:15 के अंदर परमेश्वर नम्र हृदय में रहता है, गर्विष्ठों का विरोध करता है, लेकिन नम्र हृदय के अंदर परमेश्वर वस्ती करता है, नम्र हृदय जनों के अंदर परमेश्वर निवास करता है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार का गर्व ना करें। मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, मेरे पास बहुत अच्छा पेमेंट है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं, नहीं मेरे भाई। नीति सूत्र 21:30-31 में लिखा है यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़े तो तैयार हैं, परंतु जय यहोवा से ही मिलती है। हम कितने भी बुद्धि को अपना लें, कितने ही समझ को अपना लें, कितने भी युक्ति को चला लें, परमेश्वर जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का गर्व हम ना करें। और जब तक हमारा गर्व मरेगा नहीं, जब तक गर्व ये मरेगा नहीं जीवन के अंदर से, तब तक हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, तब तक हम परमेश्वर के दर्शन को नहीं कर पाएंगे। हम घर में बैठे हैं, हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने हुए हैं, परमेश्वर हमें दिखाई दे, परमेश्वर को दर्शन दे, इस ये लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यशायाह की किताब 6:1 में लिखा है जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और वस्त्र के छोर से मंदिर भर गया। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उज्जिया राजा मरना बहुत जरूरी है,
और जब तक ये उज्जिया राजा नहीं मरेगा हम परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप और मैं घर में बैठे हैं तो ये इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे और उज्जिया राजा को मार डाले। वे उज्जिया राजा जो है गर्व का प्रतीक है। मत्ते 5:8 में लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:5 में लिखा है धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु जैसा नम्र स्वभाव का मने फिलिप 2:5-11 वचन के अंदर यीशु मालिक होते हुए भी यीशु स्वामी होते हुए भी यीशु परमेश्वर होते हुए भी वो सबका दास बना। आप और मैं दास बने, अपने स्वभाव को छोड़ दें, अपने स्वभाव को निकाल दें, गर्वित जो चीजें हमारे जीवन के अंदर जो गर्व पैदा करती है उसको हम निकाल दें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु जैसा स्वभाव का यीशु का स्वभाव क्या था। इब्री 5:8-12 मत्ती 11:29 मैं नम्र और मन में दीन हूं। ये यीशु का स्वभाव है, नम्रता परमेश्वर का स्वभाव है। जो नम्र होगा परमेश्वर उसको धन सम्मान वे जीवन देगा। नीति सूत्र 22:4 में नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन महिमा और जीवन ये है। अगर आपको मुझे इन चीजों को चाहिए तो आपको मुझे नम्र बनना पड़ेगा। मेरी बहन मेरे भाई नीति सूत्र 15:33 में लिखा है महिमा से पहले नम्रता आती है। महिमा का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा का मतलब है परमेश्वर के साथ 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 चलना, साथ साथ रहना, महिमा का मतलब है स्वर्ग से परमेश्वर की महिमा उपस्थिति को उतारना है। अगर आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है तो आपको मुझे नम्रता से उसके साथ में आना पड़ेगा। ऐसी कौन सी बात है जो आपको और मुझे गर्व करती है? बहुत सारे लोग ना अपने शब्दों से गर्व करते हैं। आपको मालूम है हमने बहुत बार देखा है लोग बातों के द्वारा शब्दों के है कुछ नहीं लेकिन शब्दों के द्वारा हम देखते हैं कि वो गर्व करता है, बातें गर्व की करता है, शब्द उनके गर्व की ओर से आते हैं। अगर ऐसा हमारा जीवन है मेरी बहन मेरे भाई तो आज और मैं उस जो याजक जो है उसको अपने जीवन को दिखा दें, जांच करने दें। वो आपके साथ बंद है, वो हमें शुद्ध करेगा, हम इन पापों को मान लें। पहला योहान का पत्र 1:7-9 में लिखा है जब अगर हम अपने पापों को मान लेंगे तो उसका लहू हमारे लिए आज भी उतना ही ताजा है, वो हमारे सब पापों को शुद्ध करने के लिए समर्थ है। अगर हम कमरे में बंद हैं आज परमेश्वर को उस याजक को जांचने दे अपने जीवन को। आगे देखते हैं हम लोग। कोड़ी को परमेश्वर ने 7 दिन बंद करने के लिए कहा। क्यों कहा वो हमने यहां पे देखा, अपने जीवन को चेक करने के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार और जानवर के साथ उसको बंद कर दिया। उत्पत्ति 7:16 में तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। किसने बंद किया? यहोवा ने। परमेश्वर ने पहले नूह को बुलाया उसके सारे घराने के समेत और जहाज को उसने कहा, परमेश्वर ने कहा जहाज के अंदर जाओ और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना, नूह ने परमेश्वर की बातों को सुना और अपने घराने समेत वो जाकर जहाज में बैठ गया। और जब नूह ने परमेश्वर के अंदर आने की आज्ञा को मान लिया तब वे जान गया कि वे अंदर प्रभु के साथ बंद किया गया है। किसने बंद किया? यहोवा ने बंद किया। अब यहोवा कहां से बंद करेगा? बाहर से बंद करेगा या अंदर से बंद करेगा? वो अंदर से बंद करेगा। इसका मतलब ये हुआ जब परमेश्वर ने सबको अंदर भेज दिया फिर परमेश्वर अंदर गया, फिर परमेश्वर अंदर चला गया वो जहाज के दरवाजे को बंद करने के लिए। अब जब अंदर नूह के साथ परमेश्वर वहां पे है, परमेश्वर ने दरवाजे को बंद किया। सुनिए ध्यान से, क्यों बंद किया? कि परमेश्वर नूह के साथ में रहे और पूरा संसार डूबने वाला है, पूरा संसार नाश होने वाला है लेकिन परमेश्वर उसके साथ में जहाज में बैठा हुआ है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको नाश कर सके, उसको उस परमेश्वर के साथ में इसके लिए वो जहाज जो है वो सुरक्षित रहा, उसका स्वर्ण स्थान वो बना क्योंकि प्रभु उसके साथ अंदर बंद है।
जब आप और मैं अंदर बंद है अपने परिवारों के साथ में, तो ध्यान रखना आप और मैं अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ अंदर बंद है। और जब परमेश्वर हमारे अंदर बंद है तो हम सुरक्षित हैं। अगर परमेश्वर हमारे जहाज में नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। इस जहाज को परमेश्वर ने बंद किया, ध्यान से सुनिए, इस जहाज को परमेश्वर ने बंद किया, और बाहर से बंद नहीं किया, अंदर से बंद किया। इसका मतलब नोहा के साथ में परमेश्वर है, और जहां परमेश्वर है वहां सुरक्षितता है। हमारे जीवन में किसी प्रकार की हानि हमारे जीवन में नहीं होगी। इसलिए जब आप आपके घर के अंदर बंद हैं अपने परिवारों के साथ में, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएं, परमेश्वर की उपस्थिति आप महसूस करें। परमेश्वर आपकी सुरक्षा है, परमेश्वर आपका स्वर्ण स्थान है, परमेश्वर आपका आपका आपके जहाज के अंदर है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस जहाज के अंदर परमेश्वर था। नूह के जहाज के अंदर, जो नूह ने बनाया था, उस जहाज के अंदर परमेश्वर था। लेकिन आज परमेश्वर कहाँ है? आज परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर है। ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर रूपी निवास स्थान में परमेश्वर वस्ती करता है, परमेश्वर का निवास स्थान है। और जहां परमेश्वर का निवास स्थान है मेरी बहन मेरे भाई, वहां सुरक्षितता है। इसलिए जब आप घर में बैठे हैं दरवाजे को बंद करके अपने परिवारों के साथ में, तो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लीजिए। आपको कुछ नहीं होगा, आपके जीवन में आप डरिए मत। परमेश्वर, सब लोग मर गए, सब लोगों का विनाश हो गया, सब लोग डूब गए, लेकिन नूह एक व्यक्ति था जो डूबा नहीं, उसके परिवार के साथ में वो बचा रहा। आज भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ में, आपको और मुझे वो बचा के रखेगा, आपको और मुझे वो सुरक्षित रखेगा। इसलिए आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप दरवाजे बंद करके बैठे हैं, परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद किया है आपके और मेरे जीवन के अंदर। उसकी उपस्थिति महसूस कीजिए। दूसरा राजा, इसका 4:33 में भी एक बात को और हम पढ़ेंगे। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। अलीशा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। क्यों? सुनेमिन का बेटा मर गया था। और यहां वचन कहता है, दूसरे राजा 4:33 में, अलीशा अकेला भीतर जाकर उसने द्वार को बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की। वचन 32:37 में लिखा है, वहां पे मुर्दा पड़ा हुआ है, वो लड़का पड़ा हुआ है, मृत्यु अवस्था में वो पड़ा हुआ है, और किसी मृत्यु को जिलाने के लिए उसके साथ होना अति आवश्यक है। जैसा अलीशा ने लड़के को मृत्यु सैया पर वो लेट गए, जीवित परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगा रहा, और क्या हुआ मालूम है? एक चमत्कार हुआ। जो मृत्यु में पड़ा हुआ लड़का था वो जीवित हो गया। वो प्रार्थना में निरंतर लगा रहा। मृत्यु जैसी अवस्था उसने बदल डाली। किस सामर्थ्य के द्वारा? प्रार्थना में लगा रहा, अपने दरवाजे को बंद किया, अपने द्वार को बंद किया, और वो प्रार्थना में लग गया। आज जब आप और मैं घर में बैठे हैं, मेरे भाई मेरे बहन मेरे दोस्तों, इसलिए आप और मैं को मुझे परमेश्वर ने बिठाया घर के अंदर कि आप और मैं द्वार बंद करके प्रार्थना करें। पहले थिसल्ली 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बंद कर कमरे में, प्रभु आपके साथ है, जीवित करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, मृत्यु भार है। इसलिए सरकार ने भी कहा है कि आप घर में रहिए। अगर घर में ना रहेंगे, आप रोड पे घूमोगे, सड़कों पे घूमोगे, मार्गों में घूमेंगे, तो शायद कोरोना वायरस आपको लग जाएगा, और उस लगने की वजह से आप और मैं मृत्यु का कारण ठहरेंगे। मृत्यु कहां है? मृत्यु भार है, मृत्यु अंदर नहीं है। अंदर कौन है? अंदर परमेश्वर है, अंदर खुदा है, अंदर जीवित परमेश्वर है। और जहां जीवित परमेश्वर है वहां अवस्थाएं बदल जाती हैं। मृत्यु की अवस्थाएं भी जीवन जीवित हो उठती हैं। इसलिए जब आप कमरे में बंद हैं, हम कमरे में बंद हैं, तो जीवन आपके साथ है। यीशु ने कहा, जीवन मैं हूं। जब आप मैं घर में बंद हैं, अपने दरवाजों को लगाए हुए हैं, तो ये मत सोचिए कि मृत्यु की अवस्था है हमारे जीवन में आ जाएगी। नहीं मेरे बहन मेरे भाई, मृत्यु को बदलने का सामर्थ्य आपके और मेरे द्वार बंद करने के द्वारा होगी। आप और मैं अगर परमेश्वर हम बैठे हैं अंदर कमरे के अंदर, तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहें।
लुक इसका 22वां अध्याय 39 से 46 के वचन में पढ़ेंगे, जैतून के पहाड़ पर यीशु की प्रार्थना, बंद कमरे में जहां कोई नहीं, आप और परमेश्वर है। जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर का वचन यहां पे लिखा है वचन 43 में, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता है। यीशु को दिखाई दिया कब? गतसमनी बाग में जब वो प्रार्थना करता है, उसको एक स्वर्गदूत दिखाई देता है, उसको सामर्थ्य देता हुआ। आज हम जब घर में बैठे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? टीवी। हमें क्या दिखाई दे रहा है? न्यूज। हमें क्या दिखाई दे रहा है? एबीपी न्यूज, सब न्यूज पे जितने भी चैनल देख रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में दिखाई दे रहा है। हमें आज दिखाई देना चाहिए, यीशु मसीह को उसकी मौत नहीं दिखाई दी, यीशु मसीह अब क्रूस के ऊपर चढ़ने वाला है, यीशु मसीह दुख और तकलीफ में जाने वाला है, लेकिन उसको वो दिखाई नहीं दिया, उसको दिखाई दिया स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत जो उसको सामर्थ्य देता है। आज पूरी दुनिया को सामर्थ्य की जरूरत है, आज पूरे संसार को सामर्थ्य की जरूरत है। कितने लोगों ने अपने घुटनों को टेक दिया, पूरा जो चीज हाथ हाथ से बाहर चली गई। सिर्फ एक ही चीज आपको मुझे बचा सकती है, वो है परमेश्वर का सामर्थ्य। आज जब आप और मैं घर में बैठे हुए हैं, क्या हम उस दूत को देखते हैं? क्या उस परमेश्वर को देखते हैं? क्या वो हमें दिखाई देता है? क्या वो सामर्थ्य को, उसके सामर्थ्य को आप और मैं पहचान सकते हैं? उसके सामर्थ्य का अनुभव आप और मैं ले सकते हैं? कमरे में अलीशा ने खुद को बंद कर लिया और वहां पे क्या हुआ? मृत्यु प्राय अवस्था को बदल दिया। आपकी और मेरी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ्य है कि आप और मैं जो भार की मृत्यु की अवस्था है उसको बदलने का सामर्थ्य वो रखेगी। इसलिए आप और मैं, जब आप और मैं कमरे में बंद हैं, निरंतर प्रार्थना करें। हमें एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य। देखिए प्रेषित 9:40 में, जब वहां पे टिबिता नाम की वो लड़की मर गई तो पत्रस को वहां पर बुलाया गया और पत्रस ने क्या किया? सब लोगों को बाहर निकाला और घुटने टेक कर उसने शव की ओर देखा और बोला, तबिता उठ। उसने सबको बाहर निकाला, जो भीड़ थी, जो बाकी के लोग, उसने सबको बाहर निकाला और अकेला वहां पे रहा और घुटने टेक कर उसने प्रार्थना किया। और क्या हुआ? उस तबिता जो मरी हुई थी, तबिता उसने अपनी आंखों को खोल दिया और वो पत्रस को देखकर उठ बैठी। बंद कमरे में क्या है मालूम है? बंद कमरे में चमत्कार है। उन सबको बाहर कर दो जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने नहीं देता। उन सबको बाहर कर दो जो आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद महसूस नहीं करने देता। हम घर में तो हैं, दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन टीवी हमारे सामने, मोबाइल हमारे सामने, फेसबुक हमारे सामने है, व्हाट्सएप हमारे सामने। कितना देर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं दरवाजा बंद करके? परिवार के साथ तो घर में है, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं। अलीशा गया, दरवाजा बंद किया और उसने प्रार्थना की और क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ। और एक चीज को हम देखते हैं, दूसरे राजे 4:4-5 के अंदर, फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, जो भर जाए उन्हें अलग रखना। 5 तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। यहां पे अलीशा और एक विधवा की कहानी को हम पढ़ते हैं। एक भविष्यवक्ता की ये पत्नी है जिसका पति मर चुका है और वो अलीशा को दुहाई दे रही है। अलीशा को वो विनंती कर रही है कि तेरा दास, मेरा पति ये मर गया। वो यहोवा का भय मानने वाला था, लेकिन उस वो एक किसी के यहां पे किसी का कर्जदार था। अब वो मेरे घर में आया है और वो मेरे दोनों पुत्रों को ले जाकर दास बनाना चाहता है। अलीशा ने उससे कहा, जितने भी तेरे पड़ोसी हैं सबके बर्तन को लेकर आ, बर्तन मांग ले और उसको मांग कर अपने घर में रख ले।
और वो अपने बेटों समेत घर में गई, उसने द्वार बंद किया और सब बर्तनों में तेल उड़ेलना शुरू किया। द्वार बंद करना दो बातें यहां पे बताता है। अब ये जो पत्नी है, जो भविष्यवक्ता की पत्नी है, ये कर्जदार है, कर्जदार यहां पे आया हुआ है उसके बेटे को गुलाम बनाने के लिए, उसके बेटे को दास करने के लिए। इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक बात वहां पे जो अलीसा के पास में जाती है, अलीसा उसको कहता है कि द्वार बंद कर ले, द्वार बंद कर, अपने बेटों के साथ अंदर जा और दरवाजे को बंद कर ले। क्या होने वाला था दरवाजे बंद करके? दरवाजा बंद करके एक चमत्कार होने वाला था। और वहां पे हम देखते हैं कि एक बड़ा चमत्कार, जब उसने दरवाजा बंद किया अपने बेटों के साथ में, एक चमत्कार हुआ। जितने भी बर्तन वहां पे खाली थे सब उस तेल से भर गए। द्वार बंद करना दो बातों को दर्शाता है, संसार और उसकी सहायता को बाहर बंद कर दिया। अब देखिए, सब हम घर में हैं, अब बड़े चिंतित हैं लोग, हमें जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहां से पेमेंट होगी कि नहीं, वेतन होगा कि नहीं, सब चिंतित हैं। हमारी सहायता हमें मिलेगी कि नहीं, चिंतित है। अब तो मैंने भी बहुत लोगों को सुना कि यह जो महीना है वो वेतन को बढ़ोतरी होने का महीना है। सब लोग चिंतित, क्या मालूम ये इसकी वजह से हमारे जीवन में हमें पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। बढ़ोतरी तो छोड़ दो सर, पेमेंट अगर हुआ तो हम बड़े खुश हैं। और लोग पार्ट पार्ट में पेमेंट देने वाले ही हमने सुना, उसके कारण वो लोग चिंतित हो गए हैं, कर्ज कैसे जाएगा वगैरह वगैरह बातें उनके मन में चल रही है। पहली बात, द्वार बंद करना दो बातों को दर्शाता है। पहली बात, संसार से उसकी सहायता बाहर से बंद हो चुकी है। दूसरी बात, जब वो घर में बंद है तो अब अपने को परमेश्वर के समक्ष रखना है, बंद दरवाजे के अंदर। अब जब आप घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हैं तो परमेश्वर आपूर्ति करेगा। भले ही आज हमारे जीवन के अंदर हमारी कंपनियां बंद हैं, शायद पगार देगी, पेमेंट देगी, वेतन देगी कि नहीं देगी हमें नहीं मालूम, लेकिन जब आप घर के अंदर बंद हैं, मैं घर के अंदर बंद हूं, तो यहोवा यिरे परमेश्वर हमारे साथ में है। अलीशा ने कहा अपने बेटों के साथ अपने खुद को बंद कर ले और वो बैठ गई। कोई भी आवश्यकता जो है ना, हम बहुत बार भारी चीजों पर हमारे सहायता को ढूंढने के लिए, हमारी सहायता वहां से आएगी, हमारी सहायता वहां से आएगी, हमारी सहायता वहां से आएगी। ओ मेरी बहन मेरे भाई, हमारी सहायता अगर बाहर से भी बंद हो जाए, हमारी उन्नति शायद बाहर से भी बंद हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा का तेल जो भरपूरी को दर्शाता है वो आपके साथ में है। वो खाली बर्तनों को भरेगा, जो आपके घर के अंदर जो खाली बर्तन है वो उसको भरेगा। आप डरिए मत, और दरवाजे बंद करने के बाद ही यह चमत्कार हुआ। बंद कमरे में चमत्कार है, बंद कमरे में ही पूर्ति होने वाली है, बंद कमरे में ही परमेशवर की उपस्थिति रहेगी। फिलिप चौथा अध्याय 19वें वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। सब कुछ बंद हो गया, नौकरी पर जाना है, काम पर जाना है, सब कुछ बंद हो गया, कैसे खाएंगे, कैसा होगा? आपकी सहायता आपके कमरे में है। बाहर सब बंद है, अंदर आप बंद हैं। बाहर सब बंद हो गया, लेकिन आप जब अंदर हैं आपका कुछ भी बंद नहीं होगा, क्योंकि चमत्कारिक परमेश्वर आपके साथ में, बंद कमरे में वो आपके साथ में उपस्थित है, वो पूर्ति करने वाला है। लोग कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रदर ये महीने में वेतन बढ़ने वाला था, इंक्रीमेंट होने वाला था, रुक गया, सब कुछ रुका दिया, जो मिलने वाला था वो भी चला गया, अब पता नहीं पगार वेतन होगा कि नहीं। वेतन हुआ उसमें खुश है हम लोग। अरे मेरी बहन मेरे भाई, खाली बर्तन को भरने का सामर्थ आपके बंद दरवाजे में है, बंद कमरे के अंदर है। तो क्यों उस पर विश्वास कर रहे हो? जो यीशु मसीह है वो आपके साथ में बैठा हुआ है, कुछ नहीं होगा। भजन संहिता 12:1 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी?
मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। इसने क्या किया? बंद किया अपने बेटों के साथ में, और जितने खाली बर्तन थे सबको भर दिया, और वो गई बाहर, बेचा उसने, और जो कर्जदार था उसके कर्ज को उसने चुका दिया। आपको क्या लगता है आज भी परमेश्वर नहीं कर सकता? कर सकता है। आप बंद रहे, बंद हैं दरवाजे बंद करके, क्या परमेश्वर आपके साथ है? परमेश्वर का समय बिता रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस कर रहे हैं? सिर्फ बंद घर के अंदर फैमिली के साथ में बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग हो जाए, उससे भी थोड़ा सा अलग हो जाए, और अंदर एक कमरा उसमें बैठ जाए हम लोग, क्योंकि बंद कमरे के अंदर पूर्ति है, बंद कमरे के अंदर चमत्कार है, बंद कमरे के अंदर मृत्यु जैसी अवस्थाओं को जीवित करने का सामर्थ्य है। और एक बात, यशया 26 अध्याय 20 वचन में, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। परमेश्वर लोगों के साथ जुड़ जाता है, क्यों जुड़ जाता है? खतरों से बचाने के लिए, वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए परमेश्वर आपके और मेरे साथ में जुड़ जाता है। यहां पे तीन आज्ञाएं दी गई हैं, पहली आओ, दूसरी बंद हो जाओ, तीसरी छुप जाओ। आओ कोठरी में प्रवेश करो, प्रवेश करना और बने रहना, ये जानबूझकर किया गया कार्य है। आपको और मुझे प्रवेश करना है। हम प्रवेश क्यों करते हैं? जहां हमें बुलाया गया है हम जानबूझकर वहां प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमको वहां प्रवेश करने हमें बुलाया गया है। और यहां भी परमेश्वर कह रहा है, मेरे लोगों अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर दो। बंद करना मतलब क्या है? जिस स्थान में आपने प्रवेश किया है उसमें बंद हो जाना यह दर्शाता है कि अपने आप को दे देना है। जहां पे आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे हम जा रहे हैं, उस स्थान में जिसके लिए हम वहां पर आए हैं उसको दे देना है। और कैसे दे देना है? जानबूझकर उसके हाथों में आ जाना है, जानबूझकर यह व्यवहार करना है। छिपना इसका मतलब क्या है? छिपने का मतलब है हम दिखाई ना दें। हम पहले जब छोटे थे तो छुपम छुपाई ये गेम खेलते थे हम लोग। छिपने का मतलब वो जो जिसके ऊपर राज है उसको दिखाई ना दे, हम छुप जाएं। छुपने का मतलब है दिखाई ना देना। हमें कहां छुपना है? कोठरियों में छुपना है। यह वह स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति में बंद होना है। परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को रखना है। यहोवा हमारा स्वर्ण स्थान बनाना है, वह मेरे छुपने का स्थान बनाना है। जब हम उसके अंदर छुप जाएंगे तो कोई भी शत्रु आपको और मुझे ढूंढ नहीं सकता, ना कोई बुराई आप पे और मुझ पे आक्रमण कर सकती है। परमेश्वर हमारी सुरक्षा बनेगा। इसलिए भजनकार कहता है, यहोवा मेरा स्वर्ण स्थान है, यहोवा मेरा छुपने का स्थान है। और यहां परमेश्वर कह रहा है कि अपने अपनी कोठरी में प्रवेश करो, किवाड़ों को बंद कर दो, दरवाजों को बंद कर दो। क्यों मालूम है? आज सरकार भी कह रही है किवाड़ों को बंद करके बैठो, किवाड़ों को बंद करके बैठो। क्यों मालूम है? क्योंकि बाहर सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित है। अगर बाहर जाओगे तो शायद उसकी चपेट, वायरस की चपेट में आ जाएंगे, हमें सुरक्षा प्रदान नहीं होगी। सरकार हमारी भलाई के लिए कह रही है, और परमेश्वर भी यहां कह रहा है अपने किवाड़ों को बंद कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि वो हमारा स्वर्ण स्थान बनना चाहता है, वो हमारे छिपने का स्थान बनना चाहता है। क्या आज आप और मैं इस छुपने के स्थान में बैठे हैं? क्या आप और मैं किवाड़ों को बंद करके बैठे हैं? क्या उस कोठरी में आपने और मैंने प्रवेश किया है? अगर नहीं, तो जब आप और मैं घर में बंद हैं, एक अंदर एक किवाड़ है उसको बंद करके बैठ जाए। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां पर आपके साथ में परमेश्वर उपस्थित रहना चाहता है। वो आपका स्वर्ण स्थान, आपका छुपने का स्थान बनना चाहता है। उसमें छुप जाए,
शत्रु को दिखाई नहीं देगा, उसमें छुप जाएंगे ना तो शत्रु ढूंढ नहीं पाएगा आपको मुझे। कोई भी बुराई आपके और मेरे जीवन में आक्रमण नहीं कर पाएगी। देखिए वो छुप कर बैठे थे, मिस्र से जब मृत्यु जा रही थी तो सब इजरायली लोग घर में छुप कर बैठे हुए थे, और परमेश्वर ने देखा उसकी वाड़ों के ऊपर, उस दरवाजे के ऊपर, उस खिड़कियों के ऊपर, अरे यहाँ पे लहू लगा हुआ है, और उसको उलांग कर वहां से चला गया। उनका वो परमेश्वर में बने थे, वो लहू यीशु का दर्शक है, वो छुप गए थे यीशु के लहू के अंदर, उनका लहू स्वर्ण स्थान बन गया था, इसलिए मृत्यु भी कुछ ना कर सके। आप और मैं आज जब घर में बैठे हैं, क्यों मालूम है? एक परमेश्वर ने एक बड़ा मौका दिया आपको मुझे किवाड़ों को बंद करके उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए। और एक बात, याजकेल 23:24 में, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ। कभी कभी प्रभु अपने लोगों को ऑटो को रोक लेता है और कहता, तू शांत जाके बैठ जा। क्यों मालूम है? क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर वो शक्ति से नहीं हम कुछ कर पाए, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं हम कुछ कर पाए। अब जो करना है वो परमेश्वर को करना है, हमें सिर्फ इतना करना है जो परमेश्वर ने कहा, अपने घर में जा और द्वार बंद कर और बैठ जा। कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है प्रभु की उपस्थिति में। यहां पे परमेश्वर अलग रहने के लिए कहता है, आप घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ जाए। आज लोग द्वार बंद करके जरूर बैठे हैं, लेकिन उनके सामने टीवी शुरू है, मोबाइल लेकर बैठे हैं, परमेश्वर के साथ नहीं, व्हाट्सएप खेल रहे हैं, आज जो फेसबुक लाइव चाहिए, व्हाट्सएप लाइव चाहिए, सब उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे भैया आप जरूर बैठे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेसबुक लाइव में मत आइए, व्हाट्सएप लाइव मत आइए, जरूर आइए आप, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आइए, क्योंकि परमेश्वर आपके लोगों को कुछ देना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को खिलाना चाहता है। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तब तक आप और मैं नहीं भरेंगे। अगर एक बार हम भरेंगे तो हम देने के लायक भी बन जाएंगे, क्योंकि 5,000 लोगों को खिलाने के लिए शिष्यों के पास कुछ नहीं था, चेलों के पास कुछ नहीं था, और यीशु मसीह चाहता था कि उसके चेले उनको खिलाए। अगर चेलों के पास में कुछ नहीं था तो वो लोगों को क्या खिलाएंगे? इसलिए आपको और मुझे खिलाना है लोगों को। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो बिठाने वाला परमेश्वर है, लेकिन खिलाने का काम आपको और मुझे करना है, लोगों को उत्तेजन देना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है। ये लोग डरे हुए हैं, लोग हारे हुए हैं, लोग निराशाओं में हैं, इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के साथ में अलग बैठकर परमेश्वर स्वर्ग से कुछ प्राप्त करना होगा और लोगों को देना होगा। इसलिए यहां परमेश्वर कह रहा है, घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ जा। मत्ती 6:6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना का गुप्त जीवन विश्वास का जीवन का भेद है, विश्वास को यह बढ़ाता है। यह प्रार्थना का गुप्त जीवन यह वार्तालाप का जीवन है। किसके साथ वार्तालाप? परमेश्वर के साथ में वार्तालाप करना है। हम खुद को आज परखें, खुद को आज जांचें। हम परिवार के साथ तो बैठा हूं, लेकिन ज्यादा समय किस पे स्पेंड हो रहा है? परिवार के साथ में 1 घंटा प्रार्थना कर लिया, ताली बजा लिया, गाना गा लिया, हो गया? नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा आप और एक कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए। बंद दरवाजे के अंदर चमत्कार है, बंद दरवाजे के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, बंद दरवाजे के अंदर आपको दर्शन मिलने वाला है। आप देखिए यूहन्ना को शुभोत्तमार 20:19-23 वचन में लिखा है, यीशु जब मर गए थे, मरे हुए में से जिंदा हुए, चेले बैठे हुए थे, यहूदियों के डर के कारण चेले बैठे हुए थे। वहां पे लिखा है, द्वार जहां चेले थे, दरवाजा जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया। जब बंद दरवाजा होता है ना, तब यीशु आता है। यहूदियों के डर के कारण दरवाजे बंद थे,
बंद दरवाजे से यीशु अंदर आया और यीशु का दर्शन उन शिष्यों को मिला। क्रूसित जीवन, क्रूसित दर्शन जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया था, पुनरुत्थित यीशु का दर्शन उन चेलों को बंद दरवाजे में हुआ। जीवंत दर्शन उस बंद दरवाजे में हुआ। आज वो समय यहूदियों के डर से लोग डरे हुए थे, चेले डरे हुए थे, आज वायरस के डर से लोग डरे हुए हैं, द्वार बंद है। कोई बात नहीं, आप और मैं डरे नहीं, दरवाजे भले ही बंद क्यों ना हो, आपके और मेरे बंद दरवाजे के अंदर से यीशु आएगा और आपको और मुझे दर्शन देगा। बंद दरवाजा करके बैठ जाए, विजयशाली गौरवशाली यीशु का दर्शन होगा। प्रभु आपको देखकर आनंदित होगा। प्रभु ने जब इन चेलों को देखा तो प्रभु बड़ा आनंदित हुआ, यीशु बड़ा आनंदित हुआ इन चेलों को देखकर। शायद आज भी परमेश्वर हमें देखकर आनंदित हो। जब आप और मैं बंद दरवाजा करके बैठे हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, मेरी आज ये प्रार्थना है कि परमेश्वर, पुनरुत्थित परमेश्वर, आपको मुझे दर्शन दे। ये बंद दरवाजे अगर भले ही क्यों ना हो हमारे जीवन के अंदर, ये बंद दरवाजे यीशु के दर्शन का कारण बने, यीशु के महिमा पाने का दर्शन बने, यीशु के सामर्थ्य पाने का दिन बने, यीशु की उपस्थिति पाने का दिन बने। यही आज मेरी प्रार्थना है। खबरों को सुनकर डर गए, इतना मर रहे हैं, वायरस फैल रहा है और अधिक मर रहे हैं, महामारी की खबर सुनकर डरे हैं बंद कमरे के अंदर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो और बढ़ेगा, ये 15 दिन बोला है लेकिन अभी 2 महीने बढ़ेंगे, 3 महीने बढ़ेंगे। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, कितने भी महीने बढ़ने दो, परमेश्वर हमारे साथ है, हर एक चीज की परिपूर्ति हमारे जीवन में होगी। यीशु आएगा, आपको मुझे आनंदित करेगा। आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, दरवाजे भले ही बंद है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किस पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम, कहां पे ज्यादा हम अपने समय को बिता रहे हैं। मैसेज ये नहीं कर रहा हूं कि मैसेज मत कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन ज्यादा समय कहां बिता रहे हैं चेक कीजिए। सर, परमेश्वर बंद दरवाजे के अंदर दर्शन देना चाहते हैं, परमेश्वर बंद दरवाजे के अंदर पूर्ति करना चाहता है, परमेश्वर बंद दरवाजे के अंदर मृत प्राय वस्तु को जिंदा करना चाहता है। चेक करें अपना जीवन, अगर कुष्ठ रोग हमारे जीवन में लग गया है तो बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद होकर अपने जीवन को परखें, उस याजक को परखने दे, याजक को काम करने दे, याजक को जांचने दे अपने जीवन को। आज मेरी यही प्रार्थना है कि आपको मुझे ये दिनों में प्रभु का दर्शन मिले जैसे उनके शिष्यों को मिला। God bless you. प्रभु का आपका आशीष दे।